बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, सलाम। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, शायद यहाँ बहुत सारी मीटिंग हुई होंगी, या तो धार्मिक रही होंगी, करंट भी आ रहा है आपके इसमें माइक में, या तो धार्मिक रही होंगी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की रही होगी। शायद इस तरह की ये पहली मीटिंग यहाँ हो रही है, तो यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइज़र हैं और आप तमाम लोग जो शरीक हुए हैं, आप तमाम लोगों को बहुत सलाम, बहुत मुबारकबाद कि आज के वक्त में जब एक खामोशी, एक चुप्पी थोपी जा रही है, आप तमाम लोग, हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग आज यहाँ इस जलसे में आए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर यहाँ बहुत सारी बातें हुई, उसमें से मैं एक बात से शुरुआत करूँगा। नारा विकास था, आपने सुना था नहीं सुना था? नारा विकास था, आवाज नहीं, पता नहीं चल रहा आपका, विकास था नारा? मोदी आए थे, मोदी आए, विकास का नारा लेकर आए, उसके फल सबके में बांटने की बात कही थी। जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग पीछे छुटे हुए हैं, उनका हक बनता है कि उनको ज़्यादा हाथ पकड़ के आगे लाया जाए। पर आप ये बताइए, जिन्हें आज हाथ पकड़ के आगे लाने की ज़रूरत थी, उसमें चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे इलाके के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो जीके का जो ग्रेटर कैलाश का इलाका है और आज यहाँ हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो बुनियादी जो चीज़ें हैं, स्कूल की, सड़क की, हर तमाम तरह की, पानी की, क्या उन तमाम चीज़ों को बराबर लेवल पे सबको मिल पाया? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया? दे सकते नहीं हैं, देना चाहते नहीं हैं, और वो क्या लाते हैं? वो लाते हैं नफरत की पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति, जिसमें उनका सिर्फ एक काम रहता है कि लड़ाओ लड़ाओ लड़ाओ, हमले एक तरफा कराओ, ताकि ना ब्राह्मण सवाल करे, ना दलित सवाल करे, ना मुसलमान सवाल करे, ना औरत सवाल करे कि भाई रोजगार का सवाल कहाँ है, सड़क का सवाल कहाँ है, कहाँ एजुकेशन का सवाल है, कोई सवाल होने नहीं देना है। यहाँ बात हो रही थी चीफ जस्टिस की क्लीन चिट देने की, एक रिपोर्ट जो अभी आई ही नहीं है, उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने फैसले अपने हक में खुद करा लिया। इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ जैसे और हमारे साथियों ने बताया, ये ज़रूरी है यहाँ कहना इस तमाम चीज़ों के बावजूद कि तमाम लोगों के ऊपर हमला है, देश के ऊपर हमला है, पर इस हमले की जद में जो सबसे पहले शिकार हैं वो मुसलमान और दलित हैं। आज देश की जिम्मेदारी है कि मुसलमान और दलितों के ऊपर जो हमले हैं, उन हमलों के खिलाफ खड़े हों, और जिस तरह से हिंदुस्तान का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर हमला है, उस संविधान के ऊपर हमला है, तो उस संविधान के ऊपर, उस आज़ादी के ऊपर, वो बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की है, उस आज़ादी को हम खोने ना दें। हम मोदी के चक्कर में उन्हें अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आरएसएस जिसकी पिट्ठू है, या आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं, वो हमारे देश को उन लोगों के हवाले ना कर दें अपनी नफरत की राजनीति के लिए, अपनी नफरत की राजनीति से इस देश पे राज करने के लिए। हमें इस बात के ऊपर सवाल करने की ज़रूरत है, हमें बार बार ये पूछने की ज़रूरत है, और अपनी जो चुप्पियाँ हैं उसे तोड़ने की ज़रूरत है। आज आप यहाँ पर आए हैं, जैसे मैंने ये कहा, ये ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ या हमारे साथी जो बोले हैं या बोलेंगे वो चुप्पी तोड़ रहे हैं, ये चुप्पी आपकी तरफ से भी टूटी है। आप लोग यहाँ बैठे हैं इस बात का सबूत है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप खामोश नहीं हैं, आप जिंदा हैं, आप और लोगों की तरह मुर्दा नहीं हैं, वो आप खामोश नहीं हैं, आप अनदेखा नहीं कर रहे जो नाइंसाफी हो रही है। मैं यहाँ कुछ और चीज़ें आपके सामने ज़रा जिक्र और करूँगा। यहाँ बार बार बात हो रही है कि पोलराइजेशन की, एक तरफा वोट हो जाते हैं, एक तरफा अलग, हिंदू मुसलमान। मुझे हिंदू मुसलमान दिख ही नहीं रहा, जो हो रहा है एक तरफा दंगाई का हो रहा है। दंगाइयों के अलावा आपको कभी हिंदू या मुसलमान दिखता है? कहीं कोई हिंदू और मुसलमान दिख ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस, हिंदुत्व जो विचारधारा है 1930 में पैदा हुई भी,
गांधी के कातिलों ने जो विचारधारा दी थी उस विचारधारा को सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ लागू करने के लिए नाम ये दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान का पोलराइजेशन है, पर ये एक तरफा एक साथ अपने नफरती पुजारियों को एक साथ लाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। आज मैं यहाँ आपसे एक ज़रूर अपील करूँगा ज़्यादा बात ना करते हुए कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अब एक प्रथा रही है कि दलितों के पीछे चले जाओ, अगड़ों के पीछे चले जाओ, फला के पीछे चले जाओ, मुसलमानों का नाम नहीं आता फिर भी कुछ कहते हैं मुसलमानों के पीछे चले जाओ। आज देश को ज़रूरत है कि किसी के पीछे ना चला जाए। आज आप तमाम जैसे लोग मुसलमान हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, सबको लीडर बनके आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमला अगर हम लोगों ने नहीं रोका तो कोई देश को नहीं बचा सकता। आज हमें कंधे से कंधा मिलाकर ये जो संविधान है इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। ये संविधान नहीं बचा ये मुल्क नहीं बचेगा। आप ये बात लाजिम मानिए, ये मोदी सरकार लगातार हमले कर रही है इस संविधान के ऊपर। मैं आखिर में आपसे बस एक बात मौलाना आज़ाद की कहते हुए यहाँ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मौलाना आज़ाद ने कहा था लाल किले से, जो जब लाल किले की ताजमहल की याद दिलाते हुए बंटवारे के वक्त जामा मस्जिद की उनकी जो तारीखी तकरीर है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा था, और ये कहा था कि आओ कसम करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं, और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ों के बगैर अधूरे रहेंगे। मुझे लगता है कि हम यहाँ आज मौलाना आज़ाद की इन अल्फाज को दोहराने की यहाँ ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ से ये अल्फाज अदा करूँगा और आप उसको साथ दोहराएं। वो इसलिए दोहराएं कि हम अपने जो आवाज़ यहाँ लोग हैं जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ जब हम बोलते हैं तो जाती ज़रूर है, तो हम अपनी आवाज़ चाहे हम दलित हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम बनिए हैं, चाहे हम जो है किसी भी तरीके से अमीर हैं, गरीब हैं, हम में से हर किसी की आवाज़ अहम है और हमारी हर किसी की आवाज़ सुनी जानी होगी। हम चाहे गरीब हैं, कपकपाते हुए हम बोल नहीं सकते हैं, हमें बोलना नहीं आता इस स्टेज से खड़े होके, हमें सड़क पे सही से कपड़े जो कहलाए जाते हैं, हम गंदे मैले कपड़े पहने हुए हैं या साफ कपड़े पहने हुए हैं, हम सब बराबर हैं, और दावेदारी को बराबर होने की जो संविधान ने हमें हक दिया है हम उससे कतई पीछे नहीं मानने वाले, हम उसको कतई उस दावे को नहीं छोड़ने वाले। इस बात के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि मैं एक ये तीन लाइन है, मैं ये एक एक लाइन दोहराऊं, उसके साथ साथ आप इस बात को दोहराएं। आओ हम कसम करें कि ये देश हमारा है, हम इसी देश के लिए हैं और उसके भविष्य के, उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाजों के बगैर अधूरे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।